हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन सर, जो कि इस वक्त अपनी आने वाली सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी जो कि गुजराती मूवी वाश का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है, उसकी शूटिंग कर रहे हैं। और वहीं इस मूवी को लेकर दो बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। तो दोस्तों, वो अपडेट्स कौन सी हैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी पैर चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर सभी स्टार्स रिमेक्स मूवी करते हैं, लेकिन रिमेक्स मूवी बनाने में जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं वो अजय देवगन सर हैं। जी हां गाइस, अजय देवगन सर जब भी रिमेक मूवी लेकर आते हैं वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं होती, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बनाती है। जैसे कि आप सभी ने हाल ही में अजय देवगन सर की दृश्यम 2 मूवी देखी थी, जिसने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और वहीं अब जो गुजराती मूवी वाश का ऑफिशियल हिंदी रिमेक बना रहे हैं, उसमें अब अजय देवगन सर ने एक और एक्ट्रेसेस की एंट्री करवा दी है, वो भी जिन्होंने गुजराती मूवी वाश में मेन लीड एक्टर का जो रोल था वो प्ले किया था। जी हां गाइस, यानी कि जानकी बोरेवाला जो कि इस मूवी के अंदर भी अब उनकी एंट्री हो चुकी है, वो अब इस मूवी के अंदर कौन सा रोल प्ले करेंगी ये अभी तक नहीं पता, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो अब इस मूवी के अंदर नजर आने वाले। जी हां गाइस, ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी इस मूवी के लिए। और वहीं अगर बात करें इस मूवी की सेकंड अपडेट की, तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूवी की जो शूटिंग थी वो लंदन के अंदर चल रही थी, वहां पर भी इस मूवी की लगभग 50% से ज्यादा शूटिंग की गई है, लेकिन अब इस मूवी का जो नेक्स्ट स्केड्यूल है वो इंडिया के अंदर होने वाला है, वो भी मुंबई के अंदर। इस मूवी के कुछ सेट्स लगाए गए हैं जहां पर इस मूवी की जो शूटिंग है वो की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह अब मुंबई के अंदर जो वाश मूवी का ऑफिशियल हिंदी रिमेक बन रहा है उसकी शूटिंग की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह इस मूवी से दो बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं जो कि मैंने आप सबको बता दी, और आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें।